ब्रह्मांडनाथम नील नील दतनु रत्न सिंहासनस्तम तदख्रे भाग्यदात्री रुचि रुचिरतरा भाग्यदात्री सुभद्रा तदख्रे कामपालं धवलवरतनु लंगलं दस्यवाणु श्रीलक्ष्मी रेवतिर्द्वे परिवसतु सदा ब्रह्मदारो स्मरामि दारु ब्रह्म स्मरामि परम कारुणिका करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अनाथस्य नाथ जगन्नाथंक पद कमल तले यधमर अनंत कोटि प्रणाम मणिमा अनंत कोटि प्रणाम जनंको विष्णु प्रयमणे नमई तहंक चरणे तुंडे वलई हरि हरि भो जगन्नाथ दैतरी दिव्यात्मन दर्शन करुछन्ति पत्त पावनंकर चकाचका नयन ता सहित श्रवण करुथिले मोर अनुजंकर मुखार विंदरु महाप्रभुंकर से दिव्य कथा मोहदधी कुळरे क्यों शिव वसिछन्ति जगिछन्ति से विषय श्रवण करुथिले। आज मध्य सोमवार शिव उपासक मानंकर भितरे निश्चित भावरे से देव देव महादेवंकर कथा को आपण माने मध्य श्रवण करिवा पाई सदा सर्वदा तत्पर ही थन्ति। देवदेव महादेव होछन्ति किए ना कहा जाइछि बलभद्र सदाशिव बलभद्रंकु संकर्षण काहिंकि कहा जाइथाय बलभद्र होछन्ति सदाशिव मध्य सेथिपाय कहा जाइछि करुणा कर शिव पादे मन लगाई ध्याने काल कुट विष देवंक पाई कले जे पान संकर्षण एठारे समस्त प्रकार रो संकट जते बले आसी थाए सेते बले समस्ते देवदेव महादेवंकर पाख को आसी थन्ति। जेहेतु बलभद्र होछन्ति सदा शिव सेथिपाय वर्णना करा जाइछि द्रुभ्यां शोभितलांगलं समुशलं कादंबरी चंचलम रत्नाढो वरकुंडलो भुजबलै रप्तं च भूमंडलम वज्राभामल चारुगंड युगलम नागेन्द्र चूड़ोज्वलम संग्रामे चपलं शशांकधवलं श्रीकामपालं भजे श्रीकामपालं भजे। आपण देखुचंती सिंहद्वार दृश्य किपरि भावरे भक्त वृंद माने जाउचंती बड़दांडर दृश्य मध्य आपण माने दर्शन करुचंती महाप्रभुंकर ये समस्त प्रकार दर्शन सुजग मध्य आपण प्राप्ति होती। बलभद्रंकर कथा जिते बड़े आज्ञा आसे तंकु समस्त प्रकार संकट रु जी हर्ष कर दियंती से होती संकर्षण शंकर बा संकट को जी संपूर्ण भाव निवारण कर दियंती से कौन ना देवदेव महादेव तंकु कहा जाय थी करुणा कर शिव पादे मन लगाई ध्याने काल कुट विष देवंक पाई कल जे पान जे कि देवादि देव देवता मानंकर पाई
जी समस्त प्रकार काल कुट विष को पान करी पारी थिले समस्त संकट रु हरण करी पारी थिले सेति पई तांकर नाम शंकरसन। आउ कौन कह जाइछि ना कह जाइछि खंड इंदु जटा जुट रे खंड इंदु जटा जुट रे दिसई झट झट खंडिले काल कवळु तारी मुकुंड चाट मुकुंदंकर चाट कु जे संपूर्ण भाव रे समस्त प्रकार रा खंड इंदु जटा जुट रे गोटिए जटा जुट रे से कौन करी चंती ना धारण करी चंती इंदु अर्थात चंद्रमा को धारण करी से कौन करी चंती ना से जटा मध्य जट जट हुई थाए उज्ज्वलित खंड इले अर्थात समस्तंकर दुख दुर्दशा को जी खंडन करती से होती बलभद्र से होती सदाशिव से संपूर्ण भाव रे जो कथा रही से दिव्यतार जो कथा कहीं ना महाप्रभुंकर समस्त प्रकार तत्व अनुसार देखा गले जी होती बलभद्र से होती शंकरसन से होती सदाशिव जी होती बलभद्र सी मध्य किए ना स्वयं भाव देखा गले सी मध्य किए ना बलराम अर्थात राम बलराम जो कथा आसी से मध्य सही से तत्व देखा गले देखि महाप्रभुंकर संकट को रक्षा करने सदा सर्वदा संगत रे रहुथिले सिद्धिपाई शंकरसनंकर कथा बलभद्र होती शंकरसन सप्तधा मूर्ति विराजमान करी रही कामपाल शंकरसन दारुरूपी कहुई चतुर्धा विग्रहंकर मध्यरे बड़ ठाकुर बलभद्र अन्यतम अत्यंत प्राचीन समय ऋषि विग्रहंकर प्रसिद्ध स्तुति अनुसार सुदर्शनंकर नाम उल्लेख नथिबा बेले बलद्र भद्रंकर नाम सर्वाग्रे रही नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आउ गोटे कथा मन रखि थांतु महाप्रभु डाक टिके विलंबरे शुणी थांती किंतु शंकरसन शीघ्र शुणी थांती सी होती सदा सर्वदा सब कथा शीघ्र शुणी थांती सेतिपाई तांकर नाम होछि आशुतोष से समस्तंकर रोग को निवारण करी आशु अर्थात समस्त प्रकार शरीर जपरि भाव रे रोग निरोग हो जाऊ ये चिंताधारा सदा सर्वदा देवदेव महादेव करी थांती विभिन्न कथा अनुसार आपण जदि देखिबे अनेक शास्त्रीय मतमानंकरे मध्य परिप्रकाश होइछि जे जेकि कहा जाइछि बलभद्र उपासना प्रचलित ता सहित गुप्त जुगर पूर्वरु बलभद्रंकर स्वतंत्र देवता भावरे उपासित ही आसुछन्ति श्री बलभद्र बा बलदेव बलराम शंकरसन प्रभुति ये वैष्णव देवता अटंती बोली सिद्धांतरे संपूर्ण भावरे लेखा जाइछि कहा जाइछि जे स्कंद पुराण पुरुषोत्तम महात्म्य रे कहा जाइछि जे श्री अनंत ही समग्र भुवन रे श्री बलदेव नाम रे परिचित
चतुर्द कई महाप्रभु चतुर्धा विग्रह मध्य अनंत शेष नाग शेष देव बोली मध्य जहाँ को कह जाए थाए से होती आउ के ही नुह से होती बलभद्र से कह दुर्भ्याम शोभित लांगलम समुसलम कादंबरी चंचलम रत्नाढ़ो वरकुंडल भुजबल रत्तं च भूमंडलम वज्राभामल चारुगंड जुगलम नागेन्द्र चोड़ोजुल संग्रामे चपलम शशांकतबल आउ गोटे कथा मध्य आसी था वर्णना अच्छी सज्जातम सयतां स्वसेच्छितां संचादको भवत् जो वै कृष्ण स्व वै राम जो राम कृष्ण एव सः यो वायोऽन्तरं नास्ति प्रसा प्रसीदं तो जगन्मय सज्जा जेपरी भाव रे संताकारं भुजग शयनम सज्जा ये होती नारायण सज्जा मध्य से शेष नाग मध्य श्री बलभद्रंकर स्वरूप भाव रत्न सिंहासन मूल रूपासित ही आसुचंती प्रजापति ब्रह्माता प्रार्थना रे श्री जगन्नाथ परी बलभद्रंकर मध्य जगन्मय बोली मध्य कही बलभद्र खाली नुह कि संकर्षण नुह शेष नाग मध्य नुह ब्रह्मा ठारे जगन्मय अभीत करी श्री बलभद्र होती चौदह भुवनर मूल आधार तत्व मूल आधार चौदह भुवन जहां उपरे रही से बलभद्र बलराम से भावनार सहित जी चौदह भुवनर को धारण करी सबु किछि प्रदान करने तांक भीतर क्षमता रही सेतिपाई सदा सर्वदा तंकर नाम को चिंता करी देले सबु किछि प्रदान करी देबे सेतिपाई मूलाधार बोली कहा जाए तंकर चक्षु कर्ण मुख ओ हस्त अनंत अनंत अनंतातीत जहार आदि नहीं कि अंत नहीं विश्वरे अंधकार को दूरीभूत करिबा को जे समर्थ तेणु तांकु तीनि वेद सहित ब्रह्मा तुलना करिछंती एपरिकि श्री बलभद्रंकु महाकाल अग्नि आख्या मध्य दिया जाइछि अर्थात वेद रे कहा जाइछि रुद्र चेतना रे से होछंती महारुद्र एतद व्यतीत जगत प्रलय समय रे शेष नाग श्री बलभद्र सृष्टि पालन और सहारण कार्य समर्थ हो ब्रह्माता कही श्री बलदेव होती समस्त सृष्टि मूल मूलर कारण स्कंद पुराण रे महर्षि जैमिनी श्री बलभद्र को सच्चित आनंद स्वरूप कहती खाली नुह आज्ञा अनेक महाप्रभुंकर पाखरे जो सेवा महाप्रभुंकर पाखरे समस्ते करी थांती सेवक माने प्रथमे बलभद्रंकर ठारु आज्ञा नेबे बलभद्रंकर सेवा करिवे बड़बाड़ महाप्रभुंकर बड़बाड़ बड़बाड़ रे सेवा करिवे तापरे बलभद्र आशीर्वाद प्रदान कले कहिंकि ना ई बड़बाड़ सामंत इपरी भाव आज्ञा समस्त को परीक्षा करते निरीक्षा करते जाकू जहाँ प्रदान करवा कथा ता ही प्रदान करती आपण विचार करतु थरे बड़ भाई बलभद्र जहाँ बड़ भाई अच्छी से निश्चित भाव जापरवे केते सी सुविधा अच्छा आते आपण
कह युद्ध जदि कर संगे थी भाई आुद्ध जदि कर सांगे बड़ भाई अच्छी ताले निश्चित भाव आपणकर कौनसी पराजय ना कहीं शास्त्र कही आपण जदि देखिबे भरत चरित्र रे सेते बले भरत महाराज कहुछंती जे कि मु धन्य कहीं ना मु आज सान हो कि जन्म हो महाप्रभु को सेवा करने पर सान माने बहुत धन्य कहीं ना किसी चिंता न थाए बड़ भाई को उपरे बेसी चिंता सेतिपाई कालिया शांत मध्य तंकर लीला रे सदा सर्वदा व्यस्त रही चंती समस्त प्रकार जहाँ किसी सुविधा असुविधा ता बलभद्र देखती कौनसी प्रकार पाखकु चिंता पहुँचे ना इभली भावर सहित बड़बाड़ सामंत आज्ञा भरतंकर चरित्र रे आउ गोटे कथा भितर रही भरत कहउछंती रामचंद्र को जत बले चित्रकूट रे जाई पहुँचती आनिबा पाई सेते बले रे कथा जे कि भरत कहउछंती राम चंद्र हेउछंती मोर पिता ठारु मध्य आउरी महान पितांकु क्षण मात्र न देखिले मु रही जीवी किंतु मोर बड़ भाई को क्षण मात्र के न देखिले मु रही पारिबी नाही से भली भावर सहित रामचंद्रंकर कथा मध्य रामचंद्र जेते बले जोठी मध्य भरत बोली एतिकी गाली सुनी दियंती सेठारे मध्य ये भावरे मूर्छित हो जानती भरत खंडे जेते बले संकल्प रे आसी थाए जो अच्छी भरत खंड बोली कहा जाय छी एई कद पदक कथा मध्य जेते बले सुनी छंती मूर्छित हो जाय छंती ये परि भावरे भावना तंक भितरे रही छी कहीं कि ना रामचरित मानस हो स्कंद पुराण हो समस्त प्रकार रा प्रमाण दे थाए भाई भाई सहित भल भाव रही संसार टी भल चलिबो यदि भाई भाई ठीक थे ना कौन सी किसी असुविधा हे ना कहीं ना गोटे भाई टीए बुझीपे भाई रो से कष्ट को आज्ञा आउ कहीं बुझीपारे बाहर लोक तो अनेक कथा कहिबे आज्ञा अनेक कथा कहिबे किंतु रक्तर संपर्क से ही जानिपारे कष्ट कौन हम आपण चली जाऊ आपण ना किए कथा कहीदेव तंकर देहरे जीव ना अवश्य आपणकर भितर मत मनातर हो पारे ये मत मनातर को आपण बेसी दिन रखा कथा नुह सान भाई हुंतु बड़ भाई हुंतु निज भितर बुझा बना हवा दरकार कालिया अशांत परा विराजमान करिछंती भावर सहित बड़ भाई को आगे छाड़ती पछरे जाती बड़ भाई मध्य से भावर देखी व्यवस्था करती समस्त प्रकार बड़ सान भितर किछि नाही भाव रहिबा दरकार भरत से कथा कहउछंती जे कि एभली भाव रे परिस्थिति आसी जे कि रामचंद्र सदा सर्वदा विपक्ष रे भरत को छिड़ा करती भरत पचारुछंती मते विपक्ष रे काई आपण छिड़ा करुछंती मु कोन आपणकर शत्रु सदा बेले आपणकर सहित आपण लक्ष्मण को रखिले किंतु मते आगरे छिड़ा करी विपक्षरे दल रामचंद्र कहउछंती मो सामना रे जे रहिबो मु ताकु सदा सर्वदा देखु थाए मु सामना रे देखु थाए जे परि भाव रे आपण पतित पावन को देखुछंती जिए जुआडे आसीबो जीव पतित पावन को देखुथुबो
भरत कहुछन्ति ये तो मो पाई बहुत सुजग कथा जे कि आपणकर सांगरे रहिले मु आपणकर मुखारविंद ठीक से देखि पारिबिनी विपक्ष रे सेति पाई रहिले मध्य मु भलरे अछि आ विपक्ष रे रही कण करंती ना भरत देखि 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 हारी जांती किंतु रामचंद्र कण करंती ना जितेई दबा पाई सदा सर्वदा चेष्टा करंती निजे हारी जांती आ हारी जाई सी अयोध्या रे जाई कुहंती मु हारी गली मोर भरत आज जीतिला मो भरत आज जीति गला मो भरत आज जीति गला ई भाव रही था हारी बारे जो सुख अच्छी जीति बारे से सुख नहीं आ हारिबे कहा ठारू ना निजर जहा पाखरे स्नेह अच्छी श्रद्धा अच्छी जहा पाखरे भल पाइबा अच्छी ना सेठारे हारी गले किछि कथा ना सेठारे हारंतु हारिले महत्व बढ़ी थाए सेठारे शत्रु पाखरे हारिबे नाही मित्र पाखरे सदा सर्वदा हारी जिबे देखिबे ए मित्रता आउरी दुर्बुद्ध हो जीव सेथि पई भरत चरित्र भरत प्रसंग अतीव मनोहर आज्ञा सदा सर्वदा राम लक्ष्मण को समस्ते देखती किंतु महाप्रभु रूप को संपूर्ण यदि किए आनी आपण भरत आ रामचंद्र को छिड़ा करदे किछि मध्य पार्थकता भीतर देखिबा को प्राप्ति हबो नाही कहीं ना रामंकु एभली भावरे से मानंती एभली भावरे प्रत्येक समय रे स्मरण करंती से भाव आसी जाय थाय चाली चलनी बेस पोशाक सब किछि रामंक भली भरतंकर सेति पाई बड़ा बड़ा भाई हबार कर्तव्य रामचंद्र सेठारे पालन करिछंती एठारे किंतु बड़बाड़ंकर कथा जते बले आसे बलभद्रंकर कथा क्वायैछि छेउछंती सृष्टि पालन ओ संहारण कार्य रे समर्थ होइतांति सेति पय ब्रह्मा तांकु कहिछंती श्री बलभद्र होछंती समस्त सृष्टि रो मूल कारण स्कंद पुराण महर्षि जैमिनी कहुछंती सच्चित आनंद स्वरूप बोली घोषणा करिछंती मध्य से प्रथमे ही कहिले मनुष जो तीनोटी ताप संतापित ता हेउछि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक से त्रिताप को केवल बलभद्र ही निज आयुध हल चारणा द्वारा निवारण कर दियंती हल मुसल को धारण करिछंती तांक भली युद्धा आउ संसार रे केही नांती आया श्रीमद शंकराचार्य चतुर्धा विग्रहंकर उद्देश्य रे जो स्तव रचना करिथिले तन्मध्यरु श्री बलभद्रंकु कामपाल बा स्वयं शिव भाव रे अभिहित करिछंती सेति पई यथार्थ रे कहा जाइछि जगन्नाथ स्वयं विष्णु बलभद्र त्रिलोचना पुनश्च गुप्त गीतार उल्लेख कराए उल्लेख प्रकाश रे चतुर्धा मूर्तिंकर चारि वेद अटंती तन्मध्यरु बलभद्र उचंती सामवेद वेदानां सामवेदस्मि महाप्रभुंकर अति प्रिय वेद हौचि सामवेद मध्य आपण दर्शन करुछंती महाप्रभुंकर बड़दाण्डरु बड़देउळकु दर्शन आहा बड़दाण्डर अपूर्व चित्रितता आपण दर्शन करुछंती आ बड़दाण्ड रे बड़देउळ को जे दर्शन कर दिए से सब किछि प्राप्ति हो जाए बोली मन रे भावना अच्छी ताहि होई थाए कारण महाप्रभु कालिया शांतंकर कथा कौन कहिबा सदा सर्वदा तंकर स्वतंत्रता रहिछि सर्वतंत्र स्वतंत्र सब किछि तंकर स्वतंत्र जो भली भाव रे आपण दर्शन करुछंती महाप्रभुंकर से चकाचका नयन
कह बलभद्र से भाव केवल रंग अलग विचित्र अलग साम वेद जपरी भाव उच्चारण शैली संपूर्ण भाव कठिन सबुठान बलभद्रंकर चित्रित प्रतिमा करिबा बड़ी कठिन जगन्नाथंकर सहज सेपरि चतुर्धा विग्रहंकर चारि वर्ण मध्यरे बलभद्र होचंति शुक्ल वर्ण शंखाकृति शुभ्र वर्ण पुडी कहा जाइछि जगन्नाथ चरितामृत ग्रंथरे बलभद्रंकु श्रृंगबीज माया ब्रह्म रूप से अभिहित कराई मतरे मतरे बलभद्र होचंति भूशक्ति स्कंद पुराण उल्लेख रे देखिबा को गले साधारणतः श्रीमंदिर परंपरा अनुजाई तीन बाड़े चतुर्धा विग्रहंकर पूजा अर्चना होइथाय तन्मध्यरु बलभद्र होचंति बड़बाड़ द्वादशाक्षर मंत्र द्वारा तंकु पूजा अर्चना करा जाई था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इमली भावर सहित से मंत्र तत्व द्वारा सदा सर्वदा भीत रही की रही चंती तंकर समस्त प्रकार दिव्यता को अपन देखी पारिबे ना रथ उपरे ता सहित जेते बले महाप्रभु आसुथिबे श्रीअंगरे पाटरासी बंधा जाइथिबो प्रथमे आसी सुदर्शन पहुंच सल्ला परे परे पछे पछे बड़बाड़ सामंत आसी पहुंची जाइथिबे जेते बले आसी वाहिसी पावचरे आसीबे तंकु समस्त रे सो चक्षुरे जेते बले दर्शन करिवार सुजग प्राप्ति हे जीव कह जा समस्त प्रकार दूरीभूत हो जाए कष्ट जंत्रणा से शंकर संकट को जी निवारण कर दिंती से होती शंकरषण जिते प्रकार संकट आसु देखिए बलभद्रंकर नाम को उच्चारण करे से समस्त प्रकार संकट को दूरीभूत करदे आपणकर जीवन रे साधा कागज भली करी देवे जहांकर नाम उच्चारण रे समस्त जगत होइथाय प्लावित समस्त जगत होइथाय आनंदित से उचंती आउ केहि नुआ से उचंती मो महाप्रभु बड़बाड़ सामंत सेतिपाई जेते बले आसुचंती भल भाव दर्शन बलभद्र को करंतु सुभद्रा को करंतु जगन्नाथ तो निहाति भाव करिबे ता सहित मध्य बड़बाड़ सामंत को भल भाव जहाँ कहिबा कथा कहंतु से कथा शीघ्र जाई पहुंचिबो जगन्नाथंकर पाखरे बलभद्रंकर कथा जेतेबेले आसे बलभद्रंकर जन्म मध्य सेभली भाव रही गभा पूर्णिमा दिन मध्य बलभद्रंकर जन्म उत्सव पालन करा जाई थाय जहाँ मार्कंड सरोवर रे ये मध्य स्वतंत्रता अच्छी श्री बलभद्रंकर रथ जो रही ये रथ विषय जेतेबेले कथा आसे जार नाम होची तालध्वज सेतिपाई से दिव्य रथर नाम होची तालध्वज से दिव्य रथ श्री बलभद्रंकर सहित चलती प्रतिमा रामकृष्ण विराजमान करती यही रथर पार्श्वदेवा देवी हेले प्रलंबाकारी महादेव नाम संकीर्तन सिंहद्वारे शोभावन देख नाम संकीर्तन सिंहद्वारे शोभा नाम संकीर्तन महाप्रभु भक्त आ भगवान भक्त आ भगवान
एकत्र मिलन स्थान होछि महाप्रभु कर स्थान। भक्त धाई आसे महाप्रभु कर पाख को कहिबा पाई तार दुख कथा सुनिबा पाई बसी छंती महाप्रभु मेलाई देई तंकर दुई हाथ। सेति पाई तो महाप्रभु सबु भितरे नियारा गे छंती कि परिभाव रे समस्त शंकर मुखार बिंदरे महाप्रभु कर नाम नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम तम नमामि हरि। जत्ते बेले आपन को समय मिलुची सेते बेले आपन कौन करंतु केवल महाप्रभु कर नाम को जप करंतु। नाम जपे जाहा मिलोइए स्थाने अन्यत्र मिले नाता। नाम जपरे जहाँ अच्छी अवकाधरे नहीं आज्ञा कलिजुग केवल नाम आधारा कलिजुग रे केवल नाम ही सर्वश्रेष्ठ। नाम जप ही सदा जपुले नाम जपुले नाम कौन सी प्रकार आसब ना अनिष्ट हेब ना सदा सर्वदा अपन नाम को ही आधार कर। नाम को आधार कले सब किसी प्राप्ति ही कलिजुगरे निस्तरणार्थे नाम संकीर्तन जप कर अविरते अविरत भाव रे नाम संकीर्तन करिबा आवश्यक। महाप्रभु निजे कहिसंति अहम न तिष्ठामि वैकुंठे अहम न तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदयेन च। जोगिंकर भीतर रे मध्य न थाए क्योंठारे था नमद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मोर भक्त जोठारे मोर संकीर्तन करे सेठारे ही विराजमान सेथिपाई महाप्रभु केउठारे नाम शुद्धक्त भावरे महाप्रभुकर नाम को जप करिबा आवश्यक। उच्चारण रे आचरण रे ता सहित सेभली भावर सहित मध्य यदि आपण जप करिबे ना प्रार्थना करिबे ना निश्चित भाव रे तंकर सानिध्य प्राप्त हेबे। श्रीक्षेत्र रु सीधा प्रसारण देखुचंती जय जगन्नाथ टीवी रे महाप्रभुंकर अपूर्व कृपा को प्राप्ति होउछंती। बलभद्रंकर कथा जते बळे आज्ञा से बलभद्रंकर पाखरे बलभद्रंकर रथर इबळी भावरे मध्य रही थांती। द्वारपाल मध्य नंद सुनंद सेबळी भावरे रथर ऋषि पटारे मध्य अंगिरा पुलस्त्य पुलह अगस्ती कृष्ण मुद्गल आत्रेय काश्यप संपूर्ण शिल्पशास्त्र पद्धति रे गठित यही था ओ यही रथ। दर्शन रे सर्व विघ्न नाशक हटे बुली मध्य विश्वास रही महाप्रभुंकर बड़बाड़ सामंतंकर रथ को दर्शन करे। जिते बेले बड़बाड़ सामंत विराजमान करती महाप्रभुंकर जेपरी भाव रे वेश श्रृंगार हुए से भाव रे तंकर मध्य वेश श्रृंगार होई थाय। सुवर्णर वेश मध्य होई थांती से भाव रे श्रीभुज श्रीपयर किरीटी कुंडल ये समस्त प्रकार रे मध्य सुवर्णर लागि होई थाय। श्री बलभद्रंकर स्तुति रे जो कथा कहा जाय छि अज्ञानमितिरांधरा अज्ञानमिति रांधिताम वैकुंठाधो प्रसिदम
नमस्ते नित्य विलासद वैष्णववासी चिकेततः। तुम्हें अज्ञान तिमिरांध व्यक्तिमानंकर सहित वैकुंठ मार्ग प्रदर्शन तथा विलस बा संपूर्ण भाव देखा गले नियमित विलासनशील नाना प्रकार वैष्णव शास्त्रीय मानंकरे आधार स्वरूप होती बलभद्र मध्य वर्णना करे से बलभद्र को सदा सर्वदा संकट पड़िले आ संकट जानुछंती अच्छी ताले शंकरसणंकर नाम को चिंता कर दिंतु से समस्तंकर दुख कष्ट जंत्रणा जेपरि भावरे दूरीभूत करिछंती आपणंकर मध्य से भली भावरे कष्ट दुख को दूरीभूत करी आपणंकु सेई भावर सहित जहा आपणंकर प्राप्तिर अच्छी ताहा निश्चित भावरे प्रदान करिवे इथिरे तिले मात्र संदेह नाही। केना महाप्रभु सदा सर्वदा बड़बाड़ सामंत कण करती ना भक्त वृंद मान जो मान आसंती किपरि भावरे आसी श्रीक्षेत्र पहुँचे श्रीक्षेत्र रहिबे महाप्रभु को दर्शन करिवे ये सदा सर्वदा चेष्टा कहांकर थाए ना बड़बाड़ सामंतंकर सेथिपाई सदा सर्वदा महाप्रभु लीला करती देखु पतित पावन पाखरे भल भाव लक्ष्य करतु बामरे चित्रपति माँ महालक्ष्मी को दर्शन करुछन दर्शन होची ना नहीं महाप्रभु आपण अनेक थर एक आपण माने श्रवण करिछंती जेकि महालक्ष्मी मध्य सेठारे अच्छा चित्रित प्रतिमा भल भाव आ गोटे साइट्रे मध्य देखिले आपण मध्य सुदर्शन मध्य विराजमान करिछंती महाप्रभुंकर लीला आज्ञा से लीला को कही बुझी पारिनांती कि कही मध्य बुझी पारिबे नाही आमे केवल महाप्रभुंकर नाम को ही डाकिबा से नाम को डाकिले महाप्रभु समस्त प्रकार काम करदेवे से महाप्रभुंकर नाम आमपाई औषध समान महाप्रभुंकर नाम आमपाई जीवन सदृश्य महाप्रभुंकर नाम आमपाई से परमात्मांकर बाणी से सदा सर्वदा महाप्रभुंकर नाम को जप करिबा आउ पतित पावन को मध्य दर्शन करुथिबा कहीं पतित पावन से चकाचका नयन अवकाश रे विराजमान करिछंती अवकाश रे जेतु विराजमान करिछंती आउ किसम परे मध्य तंकर वेश श्रृंगार आरंभ हो जिवा आउ से वेश श्रृंगार आरंभ पर्यंत ता सहित मोर बड़ भाई मुखारविंदर मध्य महाप्रभुंकर से कथा कही शुणा देखि भजराम सतपथी महोदय मुखारविंदर श्रवण करवा निश्चित भाव कथा महाप्रभुंकर कथा किंतु महाप्रभुंकर भजन सदा सर्वदा करंतु जेकोसी नाम हो राधा नाम नियंतु कृष्ण नाम नियंतु जेकोसी नाम नौंती नियंतु महाप्रभु आपण को उद्धार करदे देखुच मराम राम 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 मराम जप कर राम राम हो जाए तादर मध्य महाप्रभु मुक्ति कर दिखती आसतु महाप्रभुंकर नाम को संकीर्तन करवा संकीर्तन सहित आम कौन करवा ना स्वतंत्र भावर सहित बड़ भाई मुखारविंदर शिव पथर काठ जगा
जगा काठ जहा भी हो महाप्रभुंकर से कथा को आसंतु श्रवण करिबा महाप्रभुंकर नाम को संकीर्तन करी आमे सिंह द्वार पाखरे पहुंची जिबा। जगन्नाथ 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 पाहि माम जगन्नाथ 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 त्राहि माम जगन्नाथ पाहि माम जगन्नाथ त्राहि माम जगन्नाथ पाहि माम जगन्नाथ त्राहि माम जगन्नाथ 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 स्मरणम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।